क्वेश्चन के अंदर सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर, आर एक सेट ठीक है रिलेशन जो किस मैनर में और मैनर क्या है वो ए कॉमा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमें प्रूफ पहला पार्ट तो बेटा ये हो गया कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। सबसे पहले तो बेटा ये करना है तो करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए बेटा आपको पता है क्या क्या होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और बेटा ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है बेटा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो रिफ्लेक्सिव के अंदर आपको पता है कि ए कॉमा ए मतलब ए का ए के साथ इमेज बनेगा और वो बिलोंग्स किसमें करना चाहिए आर के अंदर। अगर हम देखें कि जो आर रिलेशन है और ये सेट ए है तो मैंने आपको बताया था कि जो आर है वो ए क्रॉस ए से बना होगा। तो यहां से ए क्रॉस ए का मतलब है 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हैं जब रिलेशन बना होगा तो कह रहा है ए माइनस बी इज इवन नंबर। तो ए यहां से लेंगे हम और बी यहां से लेंगे तो आप देख सकते हैं क्या 1 कॉमा 1 अगर मैं इसमें पुट करूं तो 1 माइनस 1 इज इवन नंबर। तो इसका मतलब क्या आ रहा है 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब साफ साफ क्या आ रहा है 0 एक इवन नंबर है तो ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है। अब 2 कॉमा 2 भी हो सकता है, 3 कॉमा 3 भी हो सकता है, 4 कॉमा 4 भी हो सकता है, 5 कॉमा 5। ये सारे एलिमेंट अगर मैं पुट करूंगा यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर बनेगा तो उससे हमें इवन नंबर आएगा वो क्या आएगा 0। तो इसका साफ साफ मतलब बनता है कि ए कॉमा ए अगर मैं इसमें पास करता हूं तो ए माइनस ए ये हमें देता है 0 और हम बता सकते हैं कि 0 इज अ इवन नंबर। तो सो इट इज रिफ्लेक्सिव। बड़ा आसान आप इसे समझ भी पा रहे हो कि ए कॉमा ए का मतलब क्या है। इसके बाद सेकंड केस है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में आप देख सकते हो 1 कॉमा 2 बनेगा तो 2 कॉमा 1 भी बनेगा, बनेगा बिल्कुल अगर 1 कॉमा 2। लेकिन अगर मैं 1 कॉमा 2 पुट कर दूंगा तो 1 माइनस 2 माइनस 1 मतलब मॉडल्स कर देगा +1 वो इवन नहीं आ रहा। तो ये तो हो सकता है बेटा कि 2 कॉमा 4 4 कॉमा 2 अगर मैं 2 और 4 पुट करूं तो आप देख सकते हो मैं यहां पे सेकंड सिमेट्रिक ले रहा हूं। सिमेट्रिक के केस में हमें पता है कि अगर a कॉमा b बिलोंग्स कर रहा है r के अंदर तो b कॉमा a भी किस में करना चाहिए बेटा बिलोंग्स r के अंदर ही करना चाहिए। तो a कॉमा b बिलोंग्स टू r तो b कॉमा a भी बिलोंग्स टू r। तो हम देखते हैं इसे आगे इसके आगे। तो मैंने क्या बोला कि 2 कॉमा 4 बिलोंग्स कर रहा है r के अंदर तो मतलब क्या है इसका मॉड के अंदर 2 माइनस 4 मिलेगा क्या हमें +2 और 4.2 belongs कर रहा है R के अंदर तो इसका मतलब 4 माइनस 2 ये भी क्या दे रहा है 2 और ये दोनों के दोनों क्या है इवन नंबर है और इवन नंबर है तो इसका मतलब क्या है सिमेट्रिक है। तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते थे ऐसे ना लिख के हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट ही लिखेंगे। डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं कि a कॉमा b पास कर रहा हूं मैं R के अंदर तो मॉड के अंदर a माइनस b ये गिवन है कि a माइनस b इवन है तो ये इट इज इवन। और अगर मैं b कॉमा a पुट करता हूं यहां पे तो b माइनस a अब b माइनस a को मैं अगर माइनस कॉमन ले लूं यहां से तो ये आ जाएगा a माइनस b और मॉडुलस लगा दूंगा मैं इसमें मॉडुलस क्या कर देगा इसको पॉजिटिव कर देगा तो ये a माइनस b हो जाएगा। तो बेटा एक चीज है अब ये पॉजिटिव वैल्यू है हमें पता है कि पॉजिटिव वैल्यू का मॉडुलस भी क्या होगा पॉजिटिव होता है मैं इसमें मॉडुलस लगा सकता हूं इट इज ऑल्सो गिवन। तो इट इज Also given. तो now, so now it is reflexive. So now it is symmetric. ठीक है बेटा? तो अब हम देखते हैं transitive का केस. ठीक है? तो transitive का केस देखते हैं. तो बेटा transitive देखते हैं हम. तो transitive के केस में हमने क्या पढ़ा था बेटा? A comma B अगर belongs करेगा R के अंदर और B कॉमा C बिलोंग्स करेगा R के अंदर तो ही A कॉमा C बिलोंग्स करना चाहिए R के अंदर ठीक है। तो हम क्या करते हैं A कॉमा B पहले पुट करते हैं A माइनस B तो हम क्या करते हैं यहाँ पे
a माइनस बी इज इक्वल टू ई वन का मतलब क्या है टू का मल्टीपल, तो टू लैम्डा ले सकते हैं इसे, क्यों टू लैम्डा क्यों, क्योंकि ये गिवन नहीं है ये इवन है, ठीक है बेटा। और मॉडुलस बता दूंगा मैं इसे क्या लिखूंगा a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस टू लैम्डा, ठीक है। अब हमें b कॉमा c पास करना है इसके अंदर, जब b कॉमा c पुट करेंगे तो ये आएगा मॉड के अंदर b माइनस c इक्वल टू टू म्यू लिखोगे, अब मॉड हटाएंगे तो क्या आएगा b माइनस c प्लस माइनस टू म्यू, ठीक। अब ये क्या क्या रहे हैं, ये टू लैम्डा क्या है, देखो a माइनस b मतलब यहां से टू कॉमा फोर, फोर कॉमा टू और टू कॉमा फोर पुट करेंगे या वन कॉमा फाइव पुट करेंगे या 1.3 पुट करेंगे, तो 1 तो कोई पॉजिटिव भी आ सकते हैं और नेगेटिव भी आ सकते हैं, तो यहाँ पे 2 का मल्टीपल ही तो आएगा बेटा, पर 2 का मल्टीपल तो लैम्डा के यहाँ पे कोई भी मल्टीपल, अगर समझ लो अगर हम 6 लिखते हैं बेटा तो 6 क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 तो मल्टीपल तो है 2 का, तो 3 यहाँ पे जो लैम्डा है स्केलर वैल्यू है। इसी तरीके से b कॉमा c हमने कोई भी वैल्यू जो b और c में पुट किया, जैसे हमने पुट कर दिया 1.3 तो वो भी क्या आ रहा है 2 का मल्टीपल आ रहा है, तो ये भी हमारे पास इवन है और ये भी इवन है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो एडिंग वन है ये और ये टू है, इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें मिलेगा क्या बेटा a प्लस a माइनस b प्लस b माइनस c, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस टू लैम्डा प्लस म्यू, हमने प्लस माइनस टू लैम्डा को कॉमन ले लिया तो यहां b से b कट गया, ये आ गया a माइनस c और प्लस माइनस टू लैम्डा प्लस म्यू, और प्लस माइनस को हटाने के लिए अगर मैं मॉडुलस लगा दूं यहां पे तो a माइनस c मॉडुलस इक्वल टू ट्वाइस लैम्डा प्लस म्यू, या इसे कह सकते हैं ये इवन है। तो आप देख सकते हैं कि a माइनस c हमें चाहिए क्या था, a कॉमा c बिलोंग्स टू r, तो हम यहां देख पा रहे हैं कि a कॉमा c बिलोंग्स हो गया r के अंदर, तो नाउ यस सो इट इज ट्रांजिटिव, तो आपका ट्रांजिटिव ये ट्रांजिटिव प्रूफ हो गया। इससे ट्रांजिटिव प्रूफ होने से ये क्वेश्चन क्या प्रूफ हो जा रहा है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हमें प्रूफ हो चुका है कि इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है बेटा। कोई भी सेट, कोई भी रिलेशन अगर वो रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए, ट्रांजिटिव हो जाए, तो वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब देखते हैं आगे कि नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, तो बेटा आगे देखते हैं, सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट पहले इतना देख लेते हैं फिर आगे देखते हैं बेटा। इसने क्या बोला है कि 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब कि 1 3 5 मतलब यहां बना लेते हैं थोड़ा सा 1 3 5 और 1 3 5 ये एक दूसरे से क्या है रिलेटेड है, तो रिलेटेड का मतलब क्या है कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बस यही तो मतलब है, रिलेटेड टू ईच अदर मतलब इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम यहां पर देख लेते हैं कि अगर मैं 1.3 ले लूं बेटा यहां पे, ये बिलोंग्स करेगा r के अंदर, बिल्कुल करेगा, ठीक है, और बिलोंग्स अगर r के अंदर और हम चेक करते हैं 1.3 को इसमें पुट करके तो 1 - 3 मॉडुलस क्या दे रहा है बेटा 2 इज इवन, इवन नंबर। और आगे देखते हैं 5.1 पुट कर लेते हैं, 5.1 बिलोंग्स करेगा आर के अंदर जब जब 5 - 1 इवन दे दे, तो आप देख सकते हो 4 आ गई, इट इज आल्सो इवन, तो इससे हमें क्या प्रूव हो गया कि ये एक दूसरे, यस 1.3.5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेटेड टू ईच अदर। इसी तरीके से अगर हम ईच अदर इसी तरीके से अगर हम 2.4 का भी देखें बेटा, तो अगर मैं 2.4 का देखूं यहां पे तो ये 2 है बेटा और ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है, तो 2.2 2.4 4.2 और 4.4 बन सकता है। तो अगर मैं 2.4 लेके चलता हूं बेटा, ये बिलोंग्स करेगा आपके अंदर, आप 2.2 भी ले सकते हैं, तो ये मत सोचना कि हमें अपोजिट वाले ही लेने, 1.1 भी ले सकते थे, अगर 1.1 लेते तो यहां पे क्या जाता बेटा 0 0, तो यहां से 2.4 पुट करेंगे तो मॉड के अंदर 2 - 4 क्या आ रहा है बेटा 2, इट इज आल्सो इवन, तो इवन आ रहा है, तो इससे ये समझ आ रहा है कि यस 2.4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है।
ठीक है बेटा, रिलेटेड टू ईच अदर। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो बेटा आगे देखते हैं, बट नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट, मतलब 135 अगर 135 को हम रिलेट करें 2.4 के साथ, तो कोई भी एलिमेंट इस सेट का, इस सेट के एलिमेंट से रिलेट नहीं हो पाएगा, मतलब इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो हम बना के देख लेते हैं, 1.2 देखते हैं। अगर 1.2 बिलोंग्स करेगा आर के अंदर, कब करेगा, जब मॉड ए माइनस टू ट्रू हो जाए। तो 1 माइनस 2 1 आ रहा है, ये तो नॉट यू है। इसके बाद और लेकिन 3 बिलोंग्स नहीं कर सकता। 1.4 देखते हैं, 1.4 बिलोंग्स करेगा आर के अंदर कब, जब 1 माइनस 4 इक्वल टू 3। तो ये भी नॉट यू बना रहा है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 5.2 ले लेते हैं। 5.2 बिलोंग्स टू आर, कब करेगा, जब 5 माइनस 2 इवन आ जाता है। ये भी 3 आ रहा है बेटा, ये भी नॉट इवन आ रहा है। तो इसका मतलब हमें समझ आ रहा है कि कोई भी एलिमेंट इस सेट का, इस सेट के साथ इस रिलेशन को प्रूव नहीं कर रहा, मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये सही लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है कि बट नो एलिमेंट ऑफ इस 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2.4। तो यस इट इज प्रूव, यस इट इज प्रूव। तो बेटा ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा इस क्वेश्चन में देखते हैं, 9th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। So that each of the related R in the set A equals to flower bracket x belongs to z, z क्या मतलब है, integer number है, integer number है, और जो हमारा x है वो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है बेटा, 0 से लेकर 12 तक, given by first part है यहाँ पे R equals to a comma b ordered pair, तभी बन पाएगा जब ये relation क्या हो, satisfy हो, मतलब a और b को put करने के बाद ये मॉडुलस अगर मल्टीपल ऑफ 4 दे रहा है तो यहाँ पे a कॉमा b आएगा। तो बेटा आपको समझा ही चुका हूँ मैं और आपको समझ भी आ रहा होगा। इसके बाद सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि r a कॉमा b अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तभी यहाँ पे क्या आएगा, ऑर्डर्ड पेयर बन पाएगा। इसके बाद इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये हमें दोनों को क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद नई चीज, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन Each case, मतलब जो यहाँ पे a एलिमेंट है, मतलब a के जो भी डोमेन है, डोमेन मान लो आप जितने भी डोमेन है वो रिलेट करने चाहिए 1 के साथ, और 1 के साथ रिलेट करने के बाद सेट क्या बनता है, तो वो भी हम देखेंगे कि वो सेट क्या बनता है। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। तो बेटा सॉल्यूशन में देखते हैं कि a कॉमा b, a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो और a कॉमा b कहां बिलोंग्स करते हैं बेटा, z के अंदर और x के अंदर, कह सकते हो x के अंदर बिलोंग कर रहा है, और x कहां से कहां तक है, 0 से लेकर। तो हम पहले प्रूव करते हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के अंदर हमें पता है a कॉमा a आना चाहिए और वो बिलोंग्स किसमें करना चाहिए, सेट या r के अंदर। r के अंदर बिलोंग्स तभी करेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो a माइनस a मतलब मॉड के अंदर अगर मैं a माइनस a पुट कर दूं तो आपको पता है बेटा 0, और 0 तो हर नंबर का मल्टीपल है, तो हम क्या कह सकते हैं 2a 0। तो 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है बेटा, 0 तो मल्टीपल ऑफ 4, तो यस इट इज रिफ्लेक्सिव। तो यस इट इज रिफ्लेक्सिव। क्यों है रिफ्लेक्सिव, क्योंकि अगर a माइनस a 0 पुट करा, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो a कॉमा a ऑर्डर पेयर बन सकता है, और यही तो रिफ्लेक्सिव का बेटा केस होता है। बात आपको समझ आ पा रही होगी, तो ये रिफ्लेक्सिव हमारा प्रूव हो गया। अब देखते हैं सिमेट्रिक, ठीक है बेटा। तो सिमेट्रिक के अंदर क्या है, सेकंड चीज, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना बेटा, नोट करना जरूरी है, ठीक है। सेकंड, और इसकी प्रैक्टिस जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको, बहुत टाइम है अभी तो आप इसको प्रैक्टिस बार 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 करें। अब सेकंड केस है सिमेट्रिक बेटा, सिमेट्रिक के केस में, और मैं थोड़ा तेज बढ़ा रहा हूं बेटा, तेज बढ़ाने का मतलब ये है कि वीडियो थोड़ी लंबी ना बने, जितनी लंबी बनेगी आपको तकलीफ होगी, इसमें थोड़ा तेज बढ़ा रहा हूं। अगर समझ नहीं आया, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं थोड़ा धीरे बढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो सिमेट्रिक का केस क्या होता है बेटा, हमने पढ़ा है कि a कॉमा b बिलोंग्स कर रहा है r के अंदर, ये कब करेगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी,
और b कॉमा a भी बिलोंग्स कर रहा है r के अंदर, ये भी कब होगा ट्रू जब ये कंडीशन क्या होगी बेटा सेटिस्फाई। तो हम देखते हैं मॉड के अंदर a माइनस b तो गिवन ही है, तो इज अ मल्टीपल कुछ भी ले सकते हो आप, आपको पता है 1 से लेकर 12 तक तो यहां पे आप 0 कॉमा 1 पुट करोगे, सॉरी यहां पे आप पुट कर सकते हो 1 कॉमा 5, तो 1 कॉमा 5 क्या दे देगा बेटा 4 दे देगा। जैसे कि यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं एक 1 कॉमा 5 belongs to R, करेगा करेगा belongs to R के अंदर, तो यहाँ पे अगर 1 minus 5 पुट कर दो तो बेटा क्या मिल जाएगा आपको 4, और 4 is a multiple of 4 is a multiple of 4, और अगर मैं 5 comma 1 पुट करूँ क्या ये भी belongs करेगा R के अंदर। आप ही समझ पा रहे हो क्या लिख रहा बेटा, यहाँ पे यही मतलब है R जो है वो क्या है A cross A है, और A क्या है आपके पास 0 से लेकर 12 तक, यहाँ पे 0 1 5 और 0 1 5 डैश और भी एलिमेंट है बीच में बेटा, तो देखो 1 5 से बन सकता है 5 1 से बन सकता है, तो यही लिख रहा हूं मैं। तो यहां पे a minus b equal to multiple of 4 आ रहा है, इसी तरीके से b minus a is mod 5 minus 1 ये भी 4 के इक्वल आ रहा है, तो दोनों ही क्या आ रहे हैं मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, तो इससे क्या पता चल रहा है बेटा कि ये दोनों क्या हो गए ट्रू हो गए, और दोनों ट्रू हो गए तो यस it is symmetric, ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया symmetric, आप वीडियो को पॉज करें और ये नोट कर लें, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें transitive का केस, तो बेटा transitive का थर्ड केस है, चेक करते हैं transitive का केस क्या है। आपको पता है transitive के केस में a comma b belongs करना चाहिए R के अंदर, b comma c भी belongs, तो ये दोनों condition, ये दोनों put करने पर ये condition true होनी चाहिए, और तो इसके बाद a कॉमा c भी बिलोंग्स करना चाहिए बेटा किसके अंदर r के अंदर, तो a कॉमा b, तो यहां से a कॉमा b हम अगर पुट करें तो a माइनस b हमें पता ही है कि ये मल्टीपल ऑफ 4 है, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं 4 लैम्डा, तो a माइनस b इक्वल टू प्लस माइनस 4 लैम्डा। इसके बाद नेक्स्ट केस b कॉमा c का देखते हैं, तो मॉड के अंदर b माइनस c इक्वल टू 4 μ, तो b माइनस c is equal to plus minus 4 mu। अब हम इसको ये होगी equation first और ये होगी बेटा equation second, अब इन दोनों को हम add करेंगे, तो जब इनको add करेंगे तो a minus b plus b minus c, आपको पता है जैसे हमने a में वाला किया था वैसे ही है lambda plus mu आ जाएगा क्योंकि दोनों में common आ जाएगा, b से b कट जाएगा a minus c equal to plus minus 4 lambda plus mu, तो हमें पता चला कि जब हमने इन दोनों को add किया ऐड करने पर a माइनस c आया है और वो किसका मल्टीपल दिख रहा है बेटा 4 का, अब प्लस माइनस को मैं हटा के यहां पे मॉड लिख सकता हूं और ये 4 लैम्डा प्लस म्यू आ गया बेटा, इसका मतलब a माइनस c जो है ये कंडीशन ट्रू दे रहा है, मतलब a कॉमा c भी बिलोंग्स हो रहा है किसके अंदर r के अंदर, तो यस इट इज ट्रांजिटिव, और ये ट्रांजिटिव है तो बेटा ट्रांजिटिव का केस क्या है ट्रांजिटिव प्रूव होते ही क्या हो गया हमारे पास ये रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस भी है सिमेट्रिक सॉरी रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है, तो इसका मतलब ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है इक्विवेलेंस प्रूव हो चुका है, तो आप यहां पर लिख लें कि इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है बेटा। तो बेटा अब सेकंड पार्ट में देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है r equal to a comma b तभी ऑर्डर पेयर आएगा जब दोनों दूसरे के क्या होंगे इक्वल, तो इसके फर्स्ट पार्ट में रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है हमें, तो रिफ्लेक्सिव के अंदर a comma a बिलोंग्स करेगा r के अंदर कब जब दोनों, आपको पता है कि a equal to a होगा ही होगा कुछ भी कर लो 1 को equal to 1 2 equal to 2 3 equal to 3 होगा ही होगा, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो यस इट इज रिफ्लेक्सिव, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड केस सिमेट्रिक का, सिमेट्रिक के केस में क्या होगा देखते हैं, सिमेट्रिक के केस में हमने पढ़ा हुआ है यहां देख लेते हैं कि a कॉमा b बिलोंग्स करना चाहिए r के अंदर, पर हम देख पा रहे हैं कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r के मतलब r के अंदर, और ये तो गिवन ही है कि a इक्वल टू b, तो a equal to b ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये सेटिस्फाई करेगा r के अंदर। इसी तरीके से अगर b comma a देखें हम तो
यहां पे हम लिख सकते हैं कि b इक्वल टू a है, जब b इक्वल टू a है तो a इक्वल टू b भी तो होगा बेटा, तो इसका मतलब क्या है, ये भी ट्रू आ रहा है, तो यस इट इज सिमेट्रिक। ठीक है बेटा, वीडियो को पॉज करो और ये नोट करो, तो अगर डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं बेटा। तो इसे करते हैं रफ और देखते हैं थर्ड केस ट्रांजिटिव। तो अब ट्रांजिटिव का केस क्या है बेटा, थर्ड केस है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के केस में हमें पता है कि a कॉमा b बिलोंग्स करना चाहिए r के अंदर, तो b कॉमा c भी बिलोंग्स करना r के अंदर, हम यहां लेट कर लेते हैं, लेट c बिलोंग्स टू a सेट a। ठीक है, तो a कॉमा b बिलोंग्स टू r के अंदर और b कॉमा c बिलोंग्स टू r के अंदर, तो यहां तो हमें पता ही है जब b a इक्वल टू b के है, तो यहां पे हमने ये भी माना है कि b इक्वल टू c है, जब a इक्वल टू b है, b इक्वल टू c है, तो आप देख पा रहे हैं कि a इक्वल टू क्या होगा c, तो नाउ a इक्वल टू c और a इक्वल टू c कंडीशन जैसे ही ट्रू होती है हम लिख सकते हैं कि a कॉमा c बिलोंग्स किसके अंदर कर रहा है, r के अंदर, और ये r के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो यस इट इज ट्रांजिटिव, यस इट इज ट्रांजिटिव, और ये ट्रांजिटिव हो गया। तो ये भी रिलेशन क्या हो गया जो मैं प्रूव कर रहा था, यस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बेटा इसमें लास्ट बचा हुआ है फाइंड द सेट, हमें एक सेट फाइंड आउट करना है ऑफ ऑल एलिमेंट्स, मतलब फॉर ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, मतलब ऑल एलिमेंट्स मतलब जीरो से लेकर ट्वेल्व तक जो रिलेट करें किसके साथ, वन के साथ। तो हम क्या करेंगे, ये वन जो है देखो बेटा रिलेट होता कैसे है, आपके पास ये सेट है जीरो से लेकर ट्वेल्व तक और आपको सिर्फ रिलेट करना है वन के साथ, तो आप देख पा रहे हो ये ए होगा और ये बी होगा, तो हम लिख क्या सकते हैं यहाँ पे, हमें ये तो पता चल गया है कि मॉड ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ फोर, मल्टीपल ऑफ फोर का मतलब क्या है जीरो, या तो ये जीरो देगा या तो फोर देगा या तो एट देगा या तो ट्वेल्व देगा, तो डेफिनेटली बहुत सारी वैल्यू देगा। अब यहाँ पे जो बी है वो क्या है बेटा वन है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ a माइनस वन इक्वल्स टू जीरो फोर एट और ट्वेल्व, लिख सकते हो मॉड में तो लिख सकते हो आप, इसे मॉड लिखने का फायदा नहीं होगा क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि जो x है वो जीरो से लेकर ट्वेल्व तक है, पॉजिटिव वैल्यू लेकर इसलिए मॉड लगाने का फायदा नहीं है। तो हम अगर a माइनस वन को अगर जीरो के इक्वल रखें, एक बार a माइनस वन को फोर के इक्वल, एक बार a माइनस वन को एट के इक्वल और एक बार a माइनस वन को ट्वेल्व के इक्वल, तो यहां से जो a है वो क्या क्या आ रहा है बेटा, एक ये तरीका है, एक है आप पुट कर दे सकते हो लेकिन ये थोड़ा सही तरीका है, तो आप a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 5, a की वैल्यू 9 और a की वैल्यू 30, तो सेट जो बना हमारे पास वो क्या बना बेटा, जो सेट हमारे पास को हम b सेट बना लेते हैं, वो सेट आया क्या हमारे पास 1 5 9, क्या 13 आ सकता है, नहीं आ सकता क्योंकि 13 जो है वो बिलोंग्स ही नहीं कर रहा है के अंदर, तो 13 पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या आ गया बेटा 1 5 और 9। देखो बेटा ये कह क्या रहा था कि हमें एक ऐसा सेट बनाना है जो 1 के साथ रिलेट करे, 1 के साथ रिलेट करने का मतलब क्या है बेटा कि हम जब इस एलिमेंट को 1 के साथ रिलेट करेंगे तो कंडीशन कैसी होनी चाहिए, इसको ट्रू होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं 1 1 बनाऊं तो 1 1 का मतलब क्या है 1 1 क्या मिलेगा हमें 0 और 0 क्या है मल्टीपल ऑफ 4, 5 1 क्या मिलेगा बेटा 4, 9 1 क्या मिलेगा 8, वो भी मल्टीपल ऑफ 4, तो आप समझ पा रहे हो। तो ये क्वेश्चन और इसी क्लास को आप क्या कहोगे इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास भी कह सकते हो इसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, अगर कोई डाउट हो इस क्वेश्चन से तो आप मुझसे पूछ सकते हो।